बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन और हम फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, ये आपके क्वेश्चन की फिजिकल सिचुएशन है। ये आपका ए ब्लॉक है और ये इस सरफेस पर बी ब्लॉक स्लाइड कर सकता है और द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस बी ब्लॉक एंड दिस प्लेन सरफेस दैट इक्वल टू 0.04। सो बच्चों, हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करनी है और हमें इस ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इन दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं इस ए ब्लॉक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो दैट इज द 3g और इस स्ट्रिंग में टेंशन आपकी टी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। जो मैंने कंसीडर किया है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन आपकी टी है और टेंशन के एरो बच्चों में आपको लगाने पहले बता ही चुका हूँ। तो बच्चों, इस 3 किलोग्राम के ब्लॉक के लिए जो मैं फ्री बॉडी डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, 3g यानी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन टी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अब देखिए बच्चों, इस बी ब्लॉक के लिए जिसका की मास 20 kg है, इसका वेट दैट इज द 20g, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस सरफेस इस ब्लॉक पर परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। मैंने कंसीडर किया कि नॉर्मल रिएक्शन आपकी n है। टेंशन इस स्ट्रिंग में राइट डायरेक्शन में है तो टेंशन इस ब्लॉक पर इस तरह से लगेगी। और बच्चों, ये ब्लॉक इस सरफेस पर स्लाइड कर रहा है तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू म्यू n लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। और हमने कंसीडर किया कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a भी राइट डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों, अब हम इस ब्लॉक के लिए मोशन की इक्वेशन लिखते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स दैट इक्वल टू 3g माइनस टी। बच्चों, ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बच्चों इसका जो वेट है वो टेंशन से ज़्यादा होगा। सो अनबैलेंस फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दैट इज द 3g माइनस टी, सो दैट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास इस ब्लॉक का आपका ए है और एक्सेलरेशन 3 है और एक्सेलरेशन बच्चों मैंने ए कंसीडर किया है। सो कंसीडर किया कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब बच्चों, मैं इस बी ब्लॉक की बात करता हूँ। ये बी ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो अनबैलेंस फोर्स इन राइट डायरेक्शन। तो बच्चों, टी की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी इस फ्रिक्शन फोर्स से। सो टी माइनस म्यू एन, यानी टेंशन राइट डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है तो नेट अनबैलेंस फोर्स ऑन दिस ब्लॉक दैट इज द टी माइनस म्यू एन, सो दैट इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज द 20 इंटू एक्सेलरेशन बच्चों ए कंसीडर किया है। सो दैट इज द 20 इंटू ए, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। और बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू दैट इज द एन, सो दैट इक्वल टू 20g के इक्वल होगी। और कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चों म्यू की जो वैल्यू गिवन है मुझे दैट इज द 0.04। तो बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन That equal to 20, g is the 10, 20 into 10 into 0.04, so that equal to 8 newton. तो बच्चों, आप इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो नाउ द सेकेंड इक्वेशन विल बी लाइक दिस, सो t माइनस 8 दैट इक्वल टू 20 इंटू ए, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। और आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज द 3g माइनस टी दैट इक्वल टू 3 इंटू ए, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और आप बच्चों फर्स्ट और सेकेंड को अगर ऐड करें, सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बच्चों हम टेंशन को कैंसिल आउट कर पाएंगे। सो फ्रॉम हेयर दिस 3g माइनस टी दैट इक्वल टू 23 इंटू ए, जी इज 10, सो फ्रॉम हेयर दिस इज द 30 माइनस 8 दैट इक्वल टू 23 इंटू ए, सो फ्रॉम हेयर दैट इज द 22
इक्वल टू 23 इंटू ए, सो फ्रॉम हेयर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों अब इसे एक्सेलरेशन की वैल्यू में अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं तो यहां से मैं इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दैट इज द 3g - t दैट इक्वल टू 3a, सो फ्रॉम हेयर टेंशन t इक्वल टू 3g - 3 into a, सो फ्रॉम हेयर दिस टेंशन t इक्वल टू 3 into 10 - 3, और एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 22/23 है। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 3 कॉमन लिया, सो फ्रॉम हेयर दैट इक्वल टू 10 - 22/23, सो दिस टेंशन t इक्वल टू 3 into 230 - 22/23। तो यहां से बच्चों हम टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सो दिस टेंशन t इक्वल टू 3 into 208/23, और बच्चों अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं सो दिस टेंशन इक्वल टू 27.13 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। तो बच्चों ये आपके स्ट्रिंग में टेंशन हो गई है, और ये जो ब्लॉक ए है इसका एक्सेलरेशन 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओके बच्चों।